टॉक शो इंडिया के सभी दर्शकों को अनिकेत राज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है सूरत शहर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित ब्रांड के फाउंडर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हरे कृष्णा प्रभु जी, या मैं कहूँ कि प्रभु जी हरे कृष्णा आर्ट्स के फाउंडर श्री नरेश जी। नरेश जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपके ब्रांड और कंपनी में ही हरे कृष्णा जुड़ा हुआ, तो मैं नमस्कार की जगह मैंने सोचा हरे कृष्णा ही आपको बोलूं। और आपके जो चेहरे का जो औज है, जो ऑरा है, और एक बहुत ही खूबसूरत तिलक आपके चेहरे में है, इससे पता चलता है कि आप बहुत ही सात्विक और भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं। लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि 4-5 दिन से मैं लगातार आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था कि चलो आपके बिजनेस रिलेटेड कोई टॉक शो करूँ, तो लेकिन आप बिजी, मतलब व्यापार बहुत जोरदार चल रहा है इसके लिए बिजी कि क्यों नहीं आ पा रहे थे? नहीं जी सर, अभी तो मैं बिजी चल रहा हूँ, मेरी कुछ सेवा है और उसी काम में मैं बिजी हूँ। अच्छा, तो कैसा सेवा है, क्या कर रहे हैं? अभी हम तैयारी में जुड़े हुए हैं, रथ यात्रा की तैयारी में। अच्छा, भगवान जगन्नाथ जी का? भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा की तैयारी में। ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि रथ यात्रा से जुड़े हुए बहुत से प्रश्न मेरे मन में है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है, उसका महत्व क्या है? भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का महत्व ये है, पूरे विश्व के अंदर एक ही मंदिर ऐसा है जहाँ पे मतलब जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा मैया ओडिशा पुरी में है। जी बिल्कुल। तो भगवान ये चाहते हैं कि बाकी के हर मंदिरों में हमें जाके दर्शन करना पड़ता है। भगवान जगन्नाथ जी एक ही ऐसे भगवान है जो खुद अपने रथ पे विराजमान हो गए, नगर चर्चा में निकलते हैं और सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। तो भगवान जगन्नाथ जी के साथ रथ यात्रा में उनके साथ और कौन कौन रहते हैं रथ यात्रा में? रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर उनके साथ उनके बड़े भाई बलभद्र जी और उसकी बहन सुभद्रा मैया और उसका एक चक्र, मतलब जो शस्त्र है भगवान जी का, तो वो भी साथ में रहता है। मतलब जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया, ऐसे बोलते हैं रथ यात्रा में तीनों की रथ। जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा में तो सालों से मतलब तीनों के तीन रथ के ऊपर सवार होके वो निकलते हैं। अलग अलग तीन रथ बनाते हैं, तीनों रथों के नाम भी अलग अलग है और तीनों रथों को ऐसे अलग अलग डेकोरेशन करके और सबको एक साथ निकालते हैं। और यहाँ ऑल ओवर विश्व में हमारे श्री प्रभुपाद जी हैं जो 1970 में विश्व में सबसे पहला इस्कॉन के फाउंडर है। अच्छा। श्री प्रभुपाद जी जिन्होंने रथ यात्रा का प्रारंभ किया था, तब से लेके हम सालों से रथ यात्रा सूरत में और अन्य शहरों में, हर एक सिटी में, हर एक गांव में हम निकलवाते हैं। क्या बात है, यानी कि भगवान जगन्नाथ जी के साथ उनके भाई और उनकी जो बहन है, ये सिर्फ मंदिर में ही विराजमान नहीं है, साथ में दर्शन देने के लिए तीनों एक साथ निकलते हैं, हर जगह पे साथ में ही रहते हैं। क्या बहुत अच्छा जानकारी आपसे सुनने को मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि नॉर्मली लोग आज के समय में, खास करके कलयुग में, इतने फास्ट लाइफ में सबका ये रहता है कि भाई चलो भाई एक भक्ति भावना तो है, लेकिन अगर यात्रा में शामिल होते हैं तो उसमें कुछ फ़ायदा वगैरह मिलता है? बहुत ही फ़ायदा है, मुझे तो बहुत होता है, इसलिए मैं हर साल इस सेवा में लगा रहता हूँ। जी जी। भगवान का कोई भी कार्य हो, आप छोटे से बड़ा हो या कोई भी कार्य के अंदर, अंश मात्र भी आप अगर अपना कुछ भी समय दे के, अपना कुछ धन दे के, या कर्म, या अपने तन मन धन से बोलते हैं ना कि कुछ भी सेवा अगर कर ली, उसका बहुत सारा आपको पुण्य मिलता है। और दूसरा, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया का रथ जब निकलता है और अगर आपने एक रस्सी खींच ली या आरती उतार ली या उनका दर्शन भी कर लिया, तो इस जन्म चक्कर के उसमें आना नहीं पड़ेगा आपको और पुनर्जन्म कभी होगा भी नहीं आपका। क्या बात है दोस्तों, जो भी लोग आप में से इंस्टाग्राम में या इधर उधर उपाय ढूंढते हैं कि भाई जीवन को खुशहाल बनाने के लिए क्या उपाय करें, ये करें, वो करें, आज नरेश जी ने बहुत अच्छा उपाय आपको बताया है कि आने वाले जो जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ जी के जो रथ यात्रा है उसमें शामिल हो करके अगर आप आरती या फिर वो रस्सी को ही खींचने का कार्य आपको करने का मौका मिल गया तो आपका जीवन संवर जाएगा। नरेश जी के बताए हुए इस उपाय को आप फॉलो कीजिए इधर उधर जाने के बजाय। नरेश जी, बहुत खुशी इस बात की मुझे हो रही है कि
कि आपने जो बताया ना अभी, क्या है सब लोग उपाय ढूंढते हैं ढूंढ कि रहे भाई किस तरह खुशी कहाँ मिलेगी, खुशी कहाँ मिलेगी, खुशी कहाँ मिलेगी। तो अच्छा, ये कब है रथ यात्रा? अभी रथ यात्रा है संडे 7 तारीख, ऐसे 7 तारीख याद रखे तो भी है, संडे के दिन है, दोपहर को 2 बजे से मिनी बाजार वराछा से लेके पूरा कापोद्रा हीराबाग से होके वीआईपी सर्कल से होके सब्जी कोराट ब्रिज से होके सरथाना जगातना का तक उसका एंड होगा, और ये पूरा 8 किलोमीटर की रथ यात्रा है। कमाल है यार, आप तो आपके ऊपर तो भगवान श्री कृष्ण यानी कि भगवान जगन्नाथ जी की असीम कृपा है। तो ये बताइए कि नहीं, कई साल ऐसा होता है कि हमारे एक से नहीं होता है, आपको भी पता है कि हर कोई अच्छा कार्य के लिए छोटे बड़े बहुत हाथों की जरूरत पड़ती हो, तो यहाँ हमको भी बहुत सारे अच्छे धनी लोग, टेक्सटाइल के अच्छे अच्छे व्यापारी लोग और कई सारे छोटे बड़े लोगों ने हमको बहुत सहायता की है। जी जी, कई लोगों ने हमें खीर प्रसाद, मग प्रसाद, जूस की बोतलें, छाछ का स्टॉल, मतलब ऐसा कई सारा खाने का प्रबंधन, ऐसे बीच बीच में मेरे 12 स्टॉल है जी जी। लगे हुए कि जिनके अंदर सब भक्तों को मतलब कुछ भूखे नहीं रहे या किसी को कोई तक, और प्रसाद के रूप में उन सब लोगों ने बहुत सहयोग किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे मन में प्रश्न है कि लोगों का सहयोग और सहभागिता तो मिल ही रहा है आपको, पूरा मैनेजमेंट ओवरऑल कैसे होता है? मैनेजमेंट करने वाले हम कौन होते हैं सर जी, जगन्नाथ जी का है, उन्हीं का खुद का ही है, और वही हमसे सब करवाते हैं, हम तो निमित मात्र है कि बस खाली इनके थ्रू बस ये सब सेवाएं हो, बाकी तो उनका है, वही मैनेजमेंट के राजा है। क्या बात है नरेश भाई, आपके इस सोच और विचार बहुत ही इंस्पायरिंग है, खास करके आज के जितने भी यूथ है, कि ये जो अहंकार की भावना होती है कि हम ये कर रहे हैं, इसको आपने पूरी तरह से एकदम यूथ को आपने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है कि आप अपने आप को करता ना मानो और करने वाला वही है। मैं जानना चाहता हूँ कब से आप ये रथ यात्रा का आयोजन में शामिल हैं? हम 5 साल से इसको वराछा से आयोजन कर रहे हैं, ये और ये मेरा 5वां साल है और बहुत ही खुशी है कि इस बार हमें संडे मिल रहा है। हाँ हाँ, तो मतलब संडे का जो लाभ है वो हम अच्छी तरह लेना चाहते हैं। क्या बात है रज भाई, आपसे अगर बात करना चाहूँ तो बहुत सारा बात करने का मन है लेकिन समय का मर्यादा है, आप कम से कम स्टूडियो तो आ जाए बात करने, और अच्छा रहा, सौभाग्य हमारा कि आने वाले रथ यात्रा के बारे में बातचीत हो सके। आप जब से इस्कॉन के साथ जुड़े हैं और पिछले 5 साल से आप ये रथ यात्रा के आयोजन में शामिल है, तो कैसे कृपा के अनुभव आपने किए भगवान जगन्नाथ जी का? हमें तो इतनी कृपा है कि इसकी कोई हम बोल के उसका वर्णन नहीं कर सकते। जी जी, बस बहुत खुश है, और भगवान की सेवा करने में जो आनंद है जी जी, वो बिजनेस करने में भी वो आनंद नहीं है। क्या बात है नरेश जी, आपकी बात दिल को छूने वाला है। ये अगर मानसिकता लेके लोग व्यापार में करे तो व्यापार उनका प्रभु ही करते रहेंगे, और वो कहते हैं ना कि आप सरेंडर हो जाओ बाकी हमारे पर छोड़ दो। बहुत अच्छा लगा रे जी, आने वाले 7 जुलाई की रथ यात्रा के सफल आयोजन के लिए भले भगवान जगन्नाथ जी कर रहे हैं लेकिन निमित्त जो आपको बनाया गया है और इतना बड़ा आयोजन में आप बहुत एक बड़े भागीदार हैं, तो आप चाहेंगे कि जितने भी प्रभु के भक्त हैं उनको अगर आप कुछ मैसेज या कुछ कहना चाहेंगे, प्लीज़ ऑन कैमरा। हरे कृष्णा, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप भी मेरे साथ जुड़े, भगवान जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा मैया जब विराजमान हो रहे रथ के ऊपर तो कुछ अंश मात्र भी आप हिस्सा बने, और आप रथ खींचने में आइए और उनके दर्शन करने के लिए आइए। तो 7 जुलाई को संडे है, दोपहर को 2 बजे सरदार स्मृति मिनी बाजार, वहाँ पर आइए और वहाँ से अपन रथ यात्रा में जुड़िए। क्या बात है, आपने विस्तृत जानकारी दी और मुझे तो लगता है कि बहुत ही सौभाग्य की बात है हमें भी कि आज टॉक शो इंडिया में आज यहाँ पे आप आए हुए, इतनी खूबसूरत और बहुत ही इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप दी। तो रविवार को 2 बजे के बाद मोबाइल साइलेंट और भगवान के साथ में कार्यरत रहना है। व्यापार के बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे मुझे लगता है, क्योंकि आज जिस तरीके से आप आए हैं तो मुझे लगता है सिवाय हरे कृष्णा के अलावा कुछ कह नहीं सकते। मैं चाहता हूँ कि कोई श्लोक या कोई आपके पाठ में कोई ऐसे कुछ लाइनें हैं प्रभु का जो आप अपने पाठ में करते हैं, आप ज़रूर कहें जिसमें आपको बहुत पावर मिलता है। बस भगवान ने शास्त्रों के अंदर एक ही सार दिया हुआ है, इस कलयुग के अंदर अगर आपको कहीं भक्ति में लगना है
या कहीं पे भी अपना मन नहीं लग रहा है और खुशी जो चाहिए, तो वो 16 अक्षर का महामंत्र ही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग के अंदर बस एक ही महामंत्र है जिससे हम मुक्त हो सकते हैं और खुश भी रह सकते। क्या बात है। इसमें मुझे एक चीज जानकारी लेना है, अगर मैं गलत हूं तो बताना, कि भगवान कृष्ण 16 कलाओं से निपुण थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 16 कला के हिसाब से ये महामंत्र का बना हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन शास्त्रों के अंदर पूरा लिखा हुआ 16 अक्षर ही ऐसा मंत्र पूरा लेके वेदों के अंदर ये वर्णन, ये कोई हरे कृष्णा या इस्कोन का कोई ये मंत्र नहीं है। जी 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 जी। अगर आप शास्त्रों के अंदर जाएंगे पढ़ेंगे और उसके अंदर पूरा पूरा मतलब बकायदा लिखा हुआ है कि यही 16 अक्षर महामंत्र कलयुग में तार सकता है, यही महामंत्र है। क्या बात है नरेश जी। हम हमारे टॉक शो इंडिया में काफ़ी एमिनेंट बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में हम टॉक शो करते हैं, लेकिन मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आप इतने बड़े ब्रांड को आप लेके चल रहे हैं, इतनी आपकी बड़ी एक आपकी एक नाम है, आपका गुडविल है, क्रेडेंशियल है, उसके बावजूद आप इतने डिवोटेडली आप अपने भगवान जगन्नाथ जी के लिए और प्रभु के प्रति इतनी जो समर्पित भावना से काम कर रहे हैं, मैं आपको बारंबार हरे कृष्णा और धन्यवाद करना चाहूँगा। हरे कृष्णा, थैंक यू। दोस्तों, ये थे आज के हमारे खास मेहमान। जैसे आपने देखा, एक बहुत ही एमिनेंट बिजनेसमैन है, लेकिन अब उनका पूरा जो माइंडसेट है वो प्रभुमय है, और 7 जुलाई के इस जो रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ जी का होने वाला है इसमें लगे हुए हैं। तो आपसे भी मेरी विनम्र निवेदन है कि प्रभु के इस अच्छे कार्य में आप शामिल होइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कोई शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को, टॉक शो इंडिया के सभी दर्शकों को धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।